दस बज गए, कहाँ रह गए सारे लौंडे? एचओडी साहब ने बोला था कि 10 बजे तक सारे लौंडे आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, आ रहे होंगे सब, हॉस्टल तो अपना ही है। इन चूतियों को नौकर बना के रखूंगा। है प्रभु, मुझे बिगड़ने न देना। कृष्ण कृष्ण। चलो चलते हॉस्टल। यूनिक हॉस्टल, अब ये कैसा नाम है? कोई नहीं, खरीद लेंगे, बाप के पास अंधा पैसा है। लड़कियों की लाइन तो यू बिछाऊंगा, यू। कॉलेज लाइफ अब यहीं जीऊंगा। देख तो हॉस्टल तो आ गया, चलो अब देखते क्या। यूनिक हॉस्टल, यहाँ तो मुझे सिंगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। या तो मैं खुल के शराब पीऊंगा, या तो बाप की पीनी पड़ती चुरा के, या तो मैं सबको बिगाड़ूंगा बैंक से। चलो चलते हैं। अरे वाह, यूनिक हॉस्टल। अरे वाह, अब मैं यहाँ पे खूब मन लगा के पढ़ूंगा और टॉप करूंगा। घर पे रहकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। मम्मी बोलती कभी दूध लिया, कभी चीनी लिया, कभी आटा लिया। मैं यहाँ पे खूब पढ़ूंगा और टॉप करूंगा क्योंकि मैं आप यूनिक हूँ। यूनिक हॉस्टल, ये कैसा नाम है बे? इसका नाम तो यूनिसेक्स होना चाहिए था। यहाँ पे तो मैं सबकी लूंगा। आ गए चमन चूतियो। गुड मॉर्निंग। ये क्या गुड मॉर्निंग क्या होता है? सुप्रभात। सॉरी सर, सुप्रभात। सुनो, ये हॉस्टल मेरा है, तुम्हारे बाप का नहीं। यहाँ मेरी चलेगी। जी सर। और चश्मे वाले, चश्मा निकाल, ये तेरे बाप का हॉस्टल नहीं है। जी सर। जी सर। अच्छा, तुम दोनों कौन से कोर्स हो? सर मैकेनिकल। मैकेनिकल ग्राउंड फ्लोर, ध्यान रखना यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है। कोई भी रिपेयरिंग का कार बोंगा तुम्हें दोनों देखोगे क्योंकि तुम दोनों मैकेनिकल से हो। जी सर, आपको भी देखेंगे। क्या बोला? कुछ नहीं सर। ठीक है ठीक है। तुम दोनों लंबू कौन से कोर्स से हो? सर आईटी। फर्स्ट फ्लोर, और ध्यान रखना इस पूरे बिल्डिंग का जितना भी सीसीटीवी कैमरा है ना वो तुम दोनों को हैंडल करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुम दोनों जुल्फे वाले और पाजी कौन से कोर्स से हो? इलेक्ट्रॉनिक। याद रखना सेकंड फ्लोर, तुम दोनों को सेकंड फ्लोर के जितने भी पंखे हैं ना सब ठीक करने हैं। अभी तो सीखना है। चुप कर, आगे चल के तुम दोनों को यही सब करना है। और जुल्फी पीछे कर अपने बाल। और ये तेरे पीछे क्या लटक रहा है? पूछ है पाजी, जरा चेक करियो तो। तेरा याद रखना, तेल लगा के तुम्हारी घुसा दूंगा मैं। और सुनो, इस हॉस्टल का नाम ऐसे ही यूनिक हॉस्टल नहीं पड़ा है, यहाँ पे तुम लड़कियां ला सकते हो।
का ध्यान रखना। चलो निकलो अपने अपने रूम में। इनकी तो मैं लूंगा। ओह वाओ, तो बहुत अच्छा है, हम यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। मैं तेरे साथ खेलूंगा क्रिकेट। चल बे चल। कमरा नंबर 0। वाओ, ये तो ओयोगे जैसा लग रहा है। चलना है, मुझे पढ़ना भी है। चल 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 चल। लाजवाब है, ऐसा लग रहा है ओयो जैसे ही है। सैम भी ओए देख यार, यहाँ पे दो बेड भी है यार। मैं घर पे तो ऐसे सो रहा था बिना बेड के, यहाँ पे दो बेड भी है। क्या बात है। हाँ यार, तेरी पढ़ाई भी तो करनी है मेरे को। ठीक है यार, ये वार्डन बड़ा खड़ूस है। इस बकचोद को ना मैं एक मिनट में खरीद लूँ, मेरे आगे कुछ भी नहीं है इसकी औकात। यूं पैसे दूंगा ना, मेरे हाथों में आ जाएगा कुछ भी। तुम तो बड़े आदमी हो। क्या करें, पैसा इतना है यार। वो सब छोड़, ये रूम तो देख, वाइट वॉश भी है, टीवी भी कितना अच्छा है। ये सब तो ठीक है, ये पैसा इतना है कि मैं एक मिनट में खरीद सकता हूँ, इसका क्या करूँ मैं। ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने, इससे बड़ी बड़ी चीजों में रहता हूँ। व्हाइट वॉशिंग यहाँ इतने बड़े से झूमर लगे होते हैं मेरे घर पे। चल छोड़ यार, रेस्ट करते। ये इस बेड पे सोओगे तुम? अभी वार्डन के मुंह पे पैसे मत दे, मारो वो नया बेड देगा। पाजी आज बहुत सो लिए यार। हाँ भाई, आज तो बढ़िया नींद आई थी। पाजी। हाँ जी दोस्त। हॉस्टल कितना सुंदर है यार, ऐसा लग रहा है मुझे जन्नत में आ गया मैं। वही पहली बार देखा लाइफ में ऐसे हॉस्टल। हाँ, बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है और देख रहे हो एकदम संगमरमर की है। और क्या पाजी, क्या नजारा, एकदम हरियाली। गर्ल्स हॉस्टल भी है बे। हाँ मैंने आज अभी देखा जस्ट। भाई लड़कियाँ क्या कर रही है, देख क्या रही है, इधर लाइन मार रही है लगता है। मेरे को देख रही है पाजी, कितने को देख रही है पता नहीं भाई, उनसे वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। यार पीरा ने तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। अरे पंजाब में तो सब कुछ चलता है यार। सही यार, सही यार। तौबा तौबा तौबा, मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। अरे इतना तो चलता ही है। क्या हो रहा है मेरे हॉस्टल में? कौन आ गया? कौन आ गया? ये मेरा हॉस्टल है, मेरा। हम सबको पनिशमेंट मिलेगी। आप भी पियो। नहीं नहीं साल, नहीं, साल कभी कभी चलता है। चलो तुम लोग इतना कह रहे हो, पर एक पकवा और दो बियर चूतियो, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर जाओ। भाई ऊपर का होगा यार। की है ऊपर का है भाई, लगा भाई तो नीचे वाला। भाई लाल देख, उसमें लाल दिख रहा है वो। भाई नीचे वाला लगा, सौ सौ के सर लगा ली मैंने। ऊपर का नीचे का? भाई नीचे का है भाई, ऊपर का मान ले। भाई नीचे का। कौन सा? भाई ऊपर का है। भाई नीचे का। भाई नीचे का है, नीचे का है। अरे यार निहाल, तुम्हें पता है हॉस्टल की सीसीटीवी की फुटेज नहीं चलती, जब वार्डन को पता चले ना वो हमारी वाट लगा देगा। यार पता नहीं, सब चेक कर ले, दिक्कत कहाँ आ रही है। एक तूफा, क्योंकि सीसीटीवी की तार हिली हुई है। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मत मिलाओ, कभी तो
अबे चल कुत्ते। दीदी दीदी मुझे ना आपको कुछ बताना है। हाँ, क्या बताना बताओ। कल मैं जब आ रही थी ना, एक लड़के ने मुझे बहुत छेड़ा। अच्छा हाँ, तो फिर? फिर उस हॉस्टल के बॉयज है ना, उस लड़के को बहुत पिटाई कर दी। और फिर क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ, उस हॉस्टल के लड़के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छी बात है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम ठीक हो ना बस? यार वो बंदी मेरे दिमाग से ही नहीं निकल रही यार। बहुतों से प्यार किया, बहुतों को खिलाया, बहुतों को चकाया, पर वो लड़की ना दिल में बस गई, दिल में। हे प्रभु, इस मोह माया से मुझे दूर ही रख। वो लड़की लुड़की कुछ नहीं होती यार, शराब पियो शराब। यार कॉपी किताब से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और इससे बढ़कर भी कोई चीज नहीं है। चल सारे। यार वो लड़की ना मलाई जैसी है, मलाई। अरे यार वो लड़की पनीर जैसी है, पनीर जैसी। भाई वो लड़कियां मदद दे रही। अच्छा गाइस, मैं लूटने चला। क्या मैं सर ले जाएगा क्या? अच्छा मैं जा। हां लो, ओके जा। अबे बातों में लंबे लंबे बाल वाली लड़की है क्या? बात कर रहा है पीछे हां प्यार में इतना अंदर होगा कि लौंडा और लौंडी को फर्क नहीं समझ होगा। Hey everyone, this side Rakesh. I am the founder and CEO of Celebrity Face India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Face के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी एक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं, और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज़ में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल।